कांग्रेस नेता और खातेगांव के पूर्व विधायक कैलाश कुंडल ने मुख्यमंत्री के दौरे पर तंज कसा और फसल बर्बादी को लेकर मुआयना यात्रा के दौरान की गई कई घोषणाओं पर निशाना साधते हुए कहा कि साल 2019 में भी सोयाबीन की फसल प्राकृतिक प्रकोप से बर्बाद हो गई थी। इस दौरान बीजेपी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ से 40,000 प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा देने की मांग रखी थी। अब एक बार फिर किसानों को नुकसान हुआ है तो मुख्यमंत्री को 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा देना चाहिए। 60-70% से ज्यादा बर्बादी हो चुकी है। तो पिछले 8 दिन में जब हम लोग पहले गए थे, मतलब 9 अगस्त को पहली बार गया था मैं, तब लग रहा था 30-40%, लेकिन पिछले 8 दिनों में 70-80% से ज्यादा बर्बाद हो चुकी फसल। तो शासन के मापदंड के अनुसार 80% से ज्यादा फसल बर्बाद है, मतलब 100% नुकसानी मानी जाती है। ये नियम की बात है। तो आज उसके तहत 40,000 से ज्यादा, बल्कि हम तो कहते 50,000 से ज्यादा मुआवजा सरकार ने घोषित करना चाहिए। और देवास जिले में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, खातेगांव कदम में नुकसान हुआ है। हम आज मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया यही मांग करेंगे कि आपने चलो आए, बहुत बड़ी उम्मीद थी, खोदा पहाड़ निकली चिड़िया कि मुख्यमंत्री आएंगे, बहुत बड़ी घोषणा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और हमेशा की तरह, और पहले भी आपको बता दूं कि कोलारी गांव में बहुत पहले आए थे, जब कांग्रेस की सरकार खुद मुख्यमंत्री थे, जिस खेत में खड़े होकर जिस किसान को सोयाबीन उखाड़ के लाए थे, देवास जिले के उस किसान को घोषणा करके कलेक्टर को आदेश किए थे कि 100% का नुकसान है, इस किसान को भरपूर मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन आज शायद 12 साल से ऊपर हो गया, अभी तक उस किसान को कोई एक रुपया नहीं मिला है। ये घोषणा